दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं अभी ग्रुप कैम के 4080 के ऑपरेटिंग कैबिन में हूँ और मैं यहाँ से आपको बता देना चाहता हूँ कि किस चीज़ से क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ मीटर से। सबसे पहले आपका ऊपर जो टेम्परेचर मीटर है इंजन का, फिर ऑयल का, फिर डीजल का, फ्यूल का मीटर है। उसके बाद ये अपना वॉच है, बंद है, ये टेप है, ये बूम लॉक का बटन है, ये फैन है, ये जब लॉक निकलता है मतलब अनलॉक होता है तो ये लाइट जलता है। ठीक है, ये काउंटर वेट का कोड है जिसे हम अभी 15 टन काउंटर वेट लगाए हैं, तो इसका कोड 410 है। और अगर हम अभी हम 9 टन काउंटर वेट, अगर हम 310 कर देंगे तो 9 टन काउंटर वेट हो जाएगा, यही हम 210 कर देंगे तो 5 टन 600 काउंटर वेट हो जाएगा। और बाकी के लिए हम अपना ऐसे लोड चार्ट में देखकर अपना लगा सकते हैं। लोड चार्ट के नीचे लिखा रहता है कि कितना बूम निकालें या क्या काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसका कोड होता है। ठीक है, सबसे पहले ऊपर आपको दिख रहा है काउंटर वेट का 15 टन, फिर उसके बाद दिख रहा है 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री, मतलब आप चारों दिशा में किधर भी काम कर सकते हैं उसका। ये फर्स्ट बूम जो निकला है वो 100% निकला है, 1 दिख रहा है। सेकंड बूम जो है वो 50% निकला है। ठीक है, और थर्ड और लास्ट, तीसरा और चौथा नहीं निकला है। ठीक है, मैं अपने ऊपर भी दिखा दे रहा हूँ, क्रेन के ऊपर भी दिखा दे रहा हूँ, 1 नंबर और 2 नंबर ही निकला हुआ है। फिर उसके बाद से है ना ये सेफ लोड, सेफ लोड के बाद हुक का वेट। ये हुक का वेट थोड़ा वो बता रहा है, गड़बड़ बताता है, 100-200 kg चलता है, क्योंकि मेरा हुक का वेट अभी 500 कुछ kg है, तो ऐसे दिखा दे रहा है। ये रेडियस बता रहा है 9.6 मीटर, ये बूम एंगल बता रहा है। ठीक है, और ये जो अपना ये चेंजर है, इसे हम जिससे अभी दिख रहा है हमारा एंगल, और इसी को हम चेंज करेंगे तो हमारा बूम लेंथ बताएगा अभी कितना मीटर बूम निकला हुआ है। अभी 22.9 मीटर बूम निकला हुआ, और इसको इधर कर देंगे तो हमारा बूम का एंगल बताने लगेगा। उसके बाद ये हमारा बाईपास का बटन है, उसके बाद ये हमारा बंद करने का, इंजन ऑफ करने का, इंजन स्टार्ट करने का, ये इंजन ऑफ करने का है, इंजन स्टार्ट करने का, ये अपना की है, चाबी है, ये वाइपर का है, ये लाइट का है। ठीक है, जब टच होगा उधर तब जाके ये जलेगा, जब लिमिट स्विच में जाके टच होगा तब। ये ओवरलोडिंग का है दिखाएगा। ठीक है, बैटरी का है, और हाँ ये बताना भूल गया, ये अपना रोप का है, कितना रोप आए, फोर लाइन करे मैं, फोर लाइन रोप के लिए ये दिखा रहा है कि हाँ फोर लाइन है। और इसके बाद आपको इधर नीचे लेके चलते हैं, ये हमारा हुक का लोहाई का है, जो बटन दबाएंगे तो हाई स्पीड में अपना हुक और यह अभी सोने लगा है। ये स्विंग ब्रेक है, ये एक्सीलेटर है, ये हैंड एक्सीलेटर है। अब हम पहुंच रहे हैं पायलट लीवर के पास, ये राइट हैंड का पायलट लीवर है हमारा, और ये हमारा एक लाइट है, जैसे कि क्या है अभी जो नया गाड़ियों में आ रहा है तो इसके अंदर ये LED लगा हुआ है, चाबी ऑन करने के बाद इसमें उजाला हो जाता है तो हमको दिखने लगता है, लेकिन इस ट्रेन में ऐसा नहीं है। इसके लिए हमको एक लाइट है, इसको हम जला लेते हैं। ठीक है, रात में दिखेगा, बहुत थोड़ा ही जला करता है, बहुत ज़्यादा नहीं करता है। अब राइट हैंड के हम पायलट लीवर के पास पहुँच गए। अब इससे अपना 3 काम होता है, इससे हुक और रिहाब भी होगा, बूम अप डाउन भी होगा, और बूम इन आउट भी होगा। तो हम अभी आपको बता दें, इधर चेंजर है, अभी जो ये है वो बूम अप डाउन पे है, हम इसको इधर कर देंगे तो हमारा बूम इन आउट पे आ जाएगा, ये दिख भी रहा है हीरो। एक नंबर, और ये बटन अगर इधर है तो 1 नंबर 2 नंबर निकलेगा, फर्स्ट 1 नंबर लॉक हो जाए, लॉक रहता है, अगर उसको ऑन लॉक करेंगे तो जाके 1 नंबर निकलेगा, अगर लॉक ही रहेगा तो 1 नंबर नहीं निकलेगा, सीधा 2 नंबर निकलेगा। 2 नंबर जब फुल हो जाएगा तो हम इसको चेंजर को चेंज करेंगे, फिर हमारा 3 नंबर निकलेगा, 3 नंबर फुल हो जाएगा तो 4 नंबर निकलेगा। ठीक है, ये हम फिर वापस बूम के ऊपर कर दे रहे हैं, ये है बूम स्टॉप का, अगर इसको हम लगा देंगे तो बूम स्टॉप हो जाएगा, मतलब लॉक हो जाएगा, लीवर ओवर दबाएंगे तो बूम नहीं होगा, अप डाउन कुछ नहीं होगा। ये है हुक का, सेम वही प्रोसीजर है, बूम भी हुक भी लॉक हो जाएगा, वो भी कुछ नहीं होगा, अप डाउन कुछ नहीं होगा। अब हम आ गए लेफ्ट साइड के पायलट लीवर के पास, जिसमें आपको दिखा दे रहे हैं, ये स्विंग लॉक है, ये हुक का स्टॉप का है। ठीक है, 2 नंबर हुक स्टॉप के लिए, ये काउंटर वेट का बटन है, ये फैन का है, फैन अपना हाइड्रोलिक ऑयल का। और ये पायलट लीवर में 2 चीज़ है, एक तो स्विंग का है और दूसरा 2 नंबर हुक का है,
दो नंबर हुक होता है, अपने यहाँ तो बहुत कम ही लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अगर दोनों हुक एक साथ चलाना है तो इसके लिए है दो नंबर हुक का। ठीक है, तो मुझे लगता होगा कि मैं लगभग सब कुछ बता दिया हूँ, अगर फिर भी कुछ मिसिंग हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसको फिर वापस सही करके बता दूँगा। ठीक है, चलिए।